आदरणीय अध्यक्ष महोदय, न्यायाधीशगण, प्रिय शिक्षकगण, दूर दूर से आए हुए अतिथि, आज की स्वच्छिक प्रतियोगिता अधिवेशन में मैं जिस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ वह है इस्लाम धर्म का मानव का प्रभाव। मुझे आशा है कि मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। प्रिय सज्जनों, निसंदेह इस्लाम एक विश्वव्यापी धर्म है एवं समस्त मानव जाति को प्रगति के मार्ग की ओर आकर्षित करता है। इसके नियम एवं संविधान हमारे मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त है और वह नियम पूर्ण रूप से प्रकृति के अनुसार है। वह विकास का शत्रु नहीं अपितु उसका मित्र है, उसके निकट तमाम लोग सम्मानित एवं आदर योग्य है। इस्लाम धर्म लोगों को सफलता के मुख्य मार्ग की ओर दर्शाता है। यह धर्म संपूर्ण मानव जाति पर अधिकारी से उपकार कर रहा है और करता रहेगा एवं पूरा इतिहास इस पर साक्षी है। निसंदेह इस्लाम ने संपूर्ण मानव जाति पर कृपा की है। यदि आपने ऐतिहासिक पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आपको ज्ञात होगा कि इस्लाम धर्म से पूर्व लोग किस प्रकार की जीवन व्यतीत करते थे। वो विभिन्न प्रकार की बुराइयों में करते थे। उनकी सबसे बड़ी गलती आप ही करने के सरवान में डूबे हुए थे। वह एक अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों अन्य वस्तुओं की पूजा करते थे। जब इस्लाम धर्म आया तो उसने सबको सत्य की मार्ग की ओर पुकारा। केवल इसी पर बस नहीं किया परंतु सत्य की शिक्षा का पाठ भी पढ़ाया और केवल एक स्वाद की ओर प्रेरित किया, जैसा कि अल्लाह ताला का कथन है, और केवल एक अल्लाह की पूजा करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई पूज नहीं। एवं महिलाओं को बिल्कुल समझते थे और बच्चों को पृथ्वी में जीवित डाल देते थे। इस्लाम धर्म ने उसको इस कुकर्म से रोका और महिलाओं को उच्चतम स्थान प्रदान किया, जैसा कि अल्लाह ताला का कथन है, वला तक्तुलु औलादकुम खशियत इम्लाक, अर्थात तुम अपने संतान को निर्धनता के भय से हत्या मत करो। एवं एक अन्य स्थान पर अल्लाह ताला का कथन है, वैदल मौकूदतुन कुतिलत बिअय्यि ज़म्मिन कुतिलत, जब जीवित दफनाई गई बच्ची से प्रश्न किया जाएगा कि किस बात के कारण तुम्हारी हत्या की गई, तो इस्लाम धर्म ने उन लोगों को इस गलत कार्य से रोका और सीधे मार्ग की ओर बुलाया। यह बात किसी व्यक्ति से गुप्त नहीं है कि इस्लाम धर्म से पूर्व निरक्षर लोग ही शराब पीते थे, जिसके कारण वो अपने से कमजोर लोगों को सताते थे, माता पिता का सम्मान नहीं करते थे, विशेषकर महिलाओं पर अधिक अत्याचार करते थे, तात्पर्य यह कि जानवरों का पसीमा बन जाते थे। अतः इस्लाम धर्म ने इस शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला का कथन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, अर्थात ये मोमिनो, ये शराब और जुआ, देव मूर्ति असल, ये सब पासे गंदे और शैतानी काम है, अतः इसे बचो, आशा है कि तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। और एक अन्य स्थान पर अल्लाह ताला ने कहा है, फिम्मा इस्मुल कबीर, अर्थात मदीरा एवं जुआ, इन दोनों में अधिक खराबी है। यदि भी लोगों के प्रति कुछ लाभ भी है किंतु इनका लाभ इनके पास से अधिक है। प्रियो सहपाठियों, आज हमारे कुछ भाई इस्लाम धर्म के विषय में बड़ी गैर जिम्मेदारी से आरोप लगाते हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं बल्कि उसने उसके साथ न्याय किया है। इस्लाम धर्म की यह शिक्षा देता है कि अपने घरों में बैठी रहो एवं अपने सुंदर यादार को किसी के सामने प्रकट मत करो, सिवाय अपने पति के समक्ष जाहिर करो। प्रिय सहपाठियों, और जब मानव की रचना की गई तो ऐसे ही बेकार नहीं छोड़ा, अपितु जीवन व्यतीत करने की पद्धति भी बदलाई, ताकि उसके अनुयायी बन सके, इधर उधर ना भटके। और साथ में यहाँ भी बता दिया, किसी को उच्चता एवं सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो सकती है तो केवल पार्षद के कारण, ना कि धन की बुनियाद पर, जैसा कि अल्लाह ताला का कहना है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम लोगों को इस्लाम धर्म की प्रक्रिया बनाए, इसको समझाने की शक्ति प्रदान करें।